रुद्रदेव पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों, आपको परिवार का आज उत्तम सुख प्राप्त होगा। भाग्य से आपको हर तरह से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, परंतु घर में किसी न किसी के स्वास्थ्य के ऊपर कोई दिक्कत हो सकती है और धन का जो सदुपयोग है आज सोच समझ कर करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज परीक्षा और प्रतियोगिता के लिए तो काफी अच्छा दिन है और कामकाज में भी खूब अच्छे हालात बने रहेंगे, परंतु परिवार में परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण कुछ अनबन के संकेत मिल रहे हैं, थोड़ा धैर्य से दिन बिताएंगे तो अच्छा जाएगा। मिथुन, मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा है, किसी प्रकार का शुभ समाचार वो प्राप्त हो सकता है, मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी राशियों के हिसाब से आज का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए सुबह से तो वक्त काफी अच्छा होगा, हर तरह के नए कार्य की सोच मन में आएगी, काफी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा, परंतु बढ़ते दिन के साथ में कोई अशुभ समाचार मिल सकता है या परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज धन के लिए तो बहुत अच्छा समय नहीं है, उसको लेके मानसिक तनाव हो सकता है, परंतु कामकाज में अगर कहीं से आज धन आना है तो उसके आने के संकेत नजर आ रहे हैं और धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए परिवार के साथ आज समय तो अच्छा है, परिवार वालों का सुख सहयोग भी है, परंतु किसी न किसी की वजह से आपके ऊपर बेकार के आरोप लग सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष सावधानी बरते अच्छा रहेगा। खुश तुला राशि, तुला राशि में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और शरीर में बाकी लोगों के आलस को अगर बढ़ावा दे दिया तो दिन खराब हो सकता है। अगर आज आप आलस को बढ़ावा नहीं देते तो आज के दिन आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा और काफी अच्छा फुर्तीलापन बना करके आप अपने कार्यों को सार्थक रूप देंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो अच्छा दिन है, परंतु बेमतलब के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, गृहस्थ में जीवन में कोई न कोई कलह उत्पन्न हो सकती है, से बचा के रखते हो तो दिन बहुत ही उत्तम है, कामकाज में बहुत अच्छी सफलता का दिन है, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कोई न कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा, उत्तम चलेगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज के दिन कामकाज के लिए तो ठीक ठाक है, उसमें सफलता दिखाई देगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आशाजनक आज परिणाम नजर नहीं आ रहे और अगर आप यात्रा पे हैं तो यात्राओं में कोई न कोई अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कुछ खास अच्छा दिन नहीं है, आज ये तो ठीक है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, परंतु खामखाई किसी न किसी से विवाद भारी पड़ सकता है और बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ती दिखाई देंगी। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है, आज के दिन आपकी यात्राएं हो सकती हैं, परिवार के साथ में भी अच्छा सुख और सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है और आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से आज के दिन निभाने में सफल होंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता के हालात अच्छे बन सकते हैं।